उसके आसपास सहयोग बहुत जोर में फैल रहा है। ये एक बड़ी आश्चर्य की बात कि दिल्ली शहर राजधानी है और यहाँ अधिकतर लोग सत्ता लोलुप हैं। जो सत्ता पर हैं उनके आगे पीछे लोग दौड़ते हैं, लेकिन ये सब होते हुए भी अपनी आत्मशक्ति को खोजना, अपना आत्मबोध कराना और आत्म साक्षात्कार को प्राप्त होना, ये इच्छा रखना ही बहुत आश्चर्यजनक है। मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि यह सूक्ष्म चीज है, अत्यंत सूक्ष्म है। ऊपरी तरह से हम हर चीज को बहुत मानते हैं, जैसे है, मैंने बहुत बार आपके सामने उदाहरण दिया कि एक सुंदर सा चित्र अगर आप देख रहे हैं और उस चित्र में बरसात हो रही है, बहुत सुंदर फूल हैं, पक्षी उड़ रहे हैं और आप चित्र को देख के बहुत खुश हो रहे हैं, लेकिन उस चित्र की जो अनुभूति है वो आप में नहीं, इसलिए उसकी अनुभूति लेने की आवश्यकता है। और अनुभूति लेने के लिए एक बहुत सूक्ष्म विचार चाहिए। वो सूक्ष्म विचार आपके अंदर जागृत हो गया, यही कमाल है कि हमने अभी तक यथार्थ को पाया नहीं, हमने अभी तक असलियत को पाया नहीं। कोई ना कोई ऐसी चीज है जिसके पीछे हम भागते हैं, उसमें सत्य नहीं है। और इस प्रकार मनुष्य कहां से कहां भटक जाता है। बाह्यता धर्म के अवलंबन में मनुष्य भागता है, मेरा ये धर्म है, मैं बड़ा ऊंचा हूं। दूसरा कहेगा मेरा धर्म है, मैं बड़ा ऊंचा। तीसरा कहेगा मेरा ये धर्म है, मैं बड़ा ऊंचा। और बहुत से ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि जो हमको मिलना है हम ही पालेंगे, हम क्यों सहयोग करें, हम खुद ही से पालेंगे। इस प्रकार दो तरह के लोग देखे गए, एक तो जो अपने अहंभाव में खो गए और दूसरे जो हैं वो शरणागत होकर गलत चीजों में घुस गए। ये दोनों तरह की व्यक्तियां सूक्ष्मता में नहीं उतर सकते, उसी में उनको मौज आती, उसी में आनंद में है। एक सोचता है कि मैं तो बस इस चीज में पड़ा हूँ, अब मैं बस रात दिन भजन कीर्तन सवेरे 4 बजे उठ करके पठन करते रहता हूँ। एक साहब मुझे मिले थे, अभी जवान थे, मैंने उनसे कहा कि सहयोग में आने के लिए तुमको कुछ करना नहीं। कहले कुछ नहीं करने का। मैंने कहा नहीं कुछ नहीं करना। तो कहने लगा फिर सवेरे से उठ के करना क्या, कुछ तो करना ही चाहिए सवेरे से उठ के। तो ये जो भावना हमारे अंदर है कि हमें अपने को प्राप्त करने के लिए, अपने को जानने के लिए कुछ करना है, सो गलत है। ये तो आप लोग जान गए कि बगैर कुछ किए ही आप सहज को प्राप्त हो। अब दूसरे अहंकारी हैं जो सोचते हैं कि हमको क्या करना, हम ही इसको खोज लेंगे, हम ही इसे पालेंगे। तो उनकी तो बात छोड़ दीजिए, उनसे भिड़ने से अपनी खोपड़ी खराब करने से पहले। और दुनिया में सभी लोग होंगे ऐसे, ये भी सोचना मेरे ख्याल से गलत बात है। बहुत से लोग लेकिन इस कलयुग में परिवर्तित हो जाएंगे।
क्योंकि ये परिवर्तन का समय, इस समय में परिवर्तन होगा ही, आप चाहें या न चाहें। किंतु चाहने पे इस परिवर्तन की जो सूक्ष्मता है उसे आप पकड़ लेंगे। उदाहरण के लिए मैं कहूंगी कि रशिया देश, जो कि भगवान के बारे में कुछ नहीं जानता था, जिसने परमात्मा का नाम भी नहीं सुना था और ना उनको परमात्मा की बात करने की इजाजत थी, ना ही कोई वो धर्म की बात जानते थे, और बड़ी ताड़ना में, बड़ी कठिन समस्याओं में वो बेचारे बंद थे, घुट रहे थे। उस घुटन में उनमें कौन सी ऐसी बात हो गई जो वो सहज में उतर गए? किस बात के कारण ये लोग एकदम से सहज में आ गए? वो बात है जिसे हम कहते हैं कि अपने को पहचानना। इसको अंग्रेजी में इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं। हम अगर ये समझे बैठे कि हम परिपूर्ण हैं तो कार्य नहीं हो सकता। हमको ये देखना चाहिए कि हमारे अंदर कौन से दोष हैं, और सहयोगी होने के बाद भी ये देखना अत्यावश्यक है। सहयोग फैल रहा है, फैल रहा है, फैलती हुई चीज फट भी जाती है, और जो हमारे अंदर सूक्ष्म से सूक्ष्म ऐसे दोष हैं वो पकड़ लेते हैं। मैं इस बार आई तो सुना कि नोएडा के जो गाने वाले थे उनमें दो भाग हो गए। फिर सुना कि नोएडा में भी दो ग्रुप हो गए। फिर और जगह भी ऐसे दो ग्रुप हो गए, कहीं चार ग्रुप हो गए, कहीं पांच ग्रुप। ये बहुत खतरनाक चीज है। अब ग्रुप कैसे बनते हैं इसको बारीकी से देखना चाहिए। ईसा मसीह ने कहा था कि बीवेयर ऑफ मर्मरिंग सोल। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो कुछ न कुछ किसी के दोष देकर बोलना शुरू करते थे कि उनका ऐसा है, उनका वैसा है, फिर चार और इकट्ठे हो जाते हैं, फिर दस और इकट्ठे हो जाते हैं। आप दूसरों का दोष देखने के लिए अगर आए हैं तो बेहतर है आप किसी न्यूज़पेपर में चले जाइए। यहां तो आप अपने को पूर्णतया एक आत्म साक्षात्कारी बनाने के लिए आए, तब अपने ही दोष देखना ठीक है, क्योंकि अपने दोष हम ही ठीक कर सकते हैं, दूसरे तो ठीक नहीं कर सकते। दूसरों के दोष देखने से हमारे दोष कैसे ठीक होंगे ये मेरी समझ में नहीं आता। इसलिए इस तरह की जो एक विशेष तरह की हस्ती होती जिसे मर्मरिंग सोल कहा गया, जो दूसरों के बारे में बताते रहते हैं। मेरे सामने भी चलता है, उन्होंने ऐसे किया, उन्होंने वैसे किया, उन्होंने, आपने क्या किया? ऐसे चक्कर चल पड़ते हैं। इसलिए जब सहयोग बढ़ता है तो उसके साथ ये भी देखना चाहिए कि वो तितर बितर न हो जाए, उसकी घनिष्ठता बढ़ती रहे। हमारे अंदर एक और बड़ी विशेषता है कि सहयोग का जो नाटक है उसमें लोग सोचते हैं कि
लीडर, माने हम लीडर हैं, वो लीडर है, वो लीडर, एक मजाक है। लीडर वीडर है क्या? कुछ नहीं। लेकिन उसके लिए लड़ाई झगड़ा। दिल्ली शहर में रहते हैं ना, तो यहाँ के लोगों को देख करके आपको भी यही सोचता है, ये सब नामधारी है, इसमें कोई खासियत नहीं। मेरे कान पर बहुत सी बातें आईं जिससे बड़ा दुख हुआ कि ऐसे बेकार चीजों में लोग अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। जिस तरह से रशिया में हुआ है, वैसा होना शायद यहाँ संभव न हो, क्योंकि हम लोग अमन चैन से हैं, सब कुछ ठीक ठाक है, ऐसा कोई दबाव हमारे ऊपर नहीं। तो जिनके पास कोई काम धंधा नहीं है, वो ऐसे ही धंधे करते बैठते हैं, इधर से उधर बात लगा, उधर से उधर बात लगा। तो एक दूसरों की स्पर्धा करना या जलना इस सहयोग में हो ही नहीं सकता। अगर ये सब कुछ आपको हो रहा है तो आप समझ लो अभी आप सहज के दर किनारे भी नहीं। अपनी ओर नजर करके देखिए कि आप क्या क्या गंदगी इकट्ठी किए हुए हैं जिनकी सफाई होना नितांत आवश्यक। अपना देश तो मशहूर है कि हम लोग बहुत झगड़ालू हैं, आपस में झगड़ते ही रहते हैं, कभी एक दूसरे से पटती नहीं। और हम तो कहते हैं ये प्रेम की महान शक्ति है। इस महान शक्ति में भी अगर यही कार्य हो रहा होगा तो आप में सूक्ष्मता कैसी आएगी और आप उस परमानंद का अनुभव कैसे लेंगे, मेरी समझ नहीं आ रहा। तो ऐसे अगर कोई बड़बड़ाने लग जाए तो उससे कहना चुप रहिए, हमें सुनना नहीं है। एक दूसरे की बुराई अगर कोई सहयोगी करे तो वो दोनों ही सहयोगी नहीं है, सुनने वाला भी और सुनाने वाला भी। और इस प्रकार जब हम अपने को स्वच्छ कर लेंगे तो एक बहुत सुंदर सहयोग का अभियान हो जाएगा। फिर आप अनेक लोगों को प्यार कर सकते हैं, अनेक लोगों में आत्मदर्शन हो सकता है। अब अपनी जिम्मेदारी को आप समझें। आज संसार में रोज अखबार पढ़िए तो रोना ही आता है, क्या न क्या गड़बड़ हो रही है, हर तरफ से कैसा आतंक मचा। ऐसी समय में आप संत हो गए, आप आत्म साक्षात्कार ही हो गए, आप इतने ऊंचे स्थान पर चले गए। अब आपकी जिम्मेदारी ये है कि ये जो कुछ गड़बड़ियां इसको अपने आत्मबल से रोक लें, इसे ठीक करें। आपको लड़ने झगड़ने की किसी चीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके अंदर वो आत्मबल है जिस बलबूते पर आप ये जो तनाव, जो झगड़े, जो आफतें आज अपने देश में हैं, उन्हें पूरी तरह से आप ठीक कर सकते। दूसरी सहयोग की महत्ता यह है कि जो ये लोग अपने को आज तक समझे बैठे हैं कि वह हम कुछ भी करें, चोरी करें, चकारी करें, ये करें, वो करें, चल नहीं सकता। अब सब चीज जो है प्रकाशित होगी, सब चीज प्रकाश में आएगी। जो गड़बड़ करेगा वो प्रकाश में आएगा, इसलिए आपको सतर्क रहना चाहिए। और
ऐसे लोगों के पीछे जाने की कोई जरूरत नहीं। धर्म का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं कि धारणा करना और आप साधु बाबा बन के और समाधि लगा के बैठ गए, बिल्कुल ये सहयोग में मतलब नहीं, और जगह होता हो। लेकिन धर्म का मतलब यह है कि जो धर्म आपने धारण किया, जिस धर्म के कारण आपके अंदर इतनी विशेषताएं आ गई, जिसके कारण आज आप आनंद विभोर हैं, वो धर्म भी दूसरों में बांटे और इस धर्म के अपने माध्यम से दर्शन दें। आपको देखकर लोग कहें कि ये कोई विशेष है, लेकिन आप अगर और लोगों की तरह ही आपसी लड़ाई और तमाशगिरी करें तो कौन मानेगा कि आप सहयोगी हैं? आपकी शांति, आपका औदार्य और आपकी सहिष्णुता, सब कुछ एक साथ देख करके कोई भी अचंभे में पड़ेगा। और आपके अंदर सारी शक्तियां, आपको हाथ चलाने की जरूरत नहीं, कुछ कहने की जरूरत नहीं, करने वाले बहुत बैठे हो, आप जानते हैं इस बात को। और वो जो करने वाले हैं वो सब कर बैठेंगे, सिर्फ आप शांतिपूर्वक अडिग देखते मात्र रहे, सारा नाटक आप देखते रहें जो आप कर सकते। तो एक तरफ तो अपनी ओर नजर होनी चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं कौन से गर्त में घुसा जा रहा हूं, ये चार लोग बड़बड़ा रहे हैं, मैं इन्हीं के साथ लग गया हूं क्या? और दूसरी तरफ नजर बाहर कि मेरे कारण कुछ लोगों को लाभ हो रहा है कि नहीं, कि मैं अपने स्वार्थ के लिए सहयोग में आया। अब पहले से हालत बहुत ठीक है, शुरू में तो ऐसी चिट्ठियां आती थी कि बस मेरे माँ के बाप के फलाने के ढिकाने के टुकाने के कुछ के उसको बीमारी हो गई, माँ उसे ठीक करो, सारे दुनिया के ठेकेदारी और सहयोगी भी बहुत लगे रहते थे। अब वो चीज छूट गई, उतनी खुदगर्जी खत्म हो गई, अब दूसरों के बारे में जरूर सोचने लगे, पर तो भी ये जिद है कि आपको तो आना ही पड़ेगा लखनऊ या कानपुर आना ही पड़ेगा या बाराबंकी तो आना ही पड़ेगा, लेकिन बाराबंकी से आप लखनऊ तशरीफ क्यों नहीं ले आते? मैं तो जगत दुनिया भर में मारे मारे फिरूं, लेकिन आप 10 मील भी नहीं आ सकते हुजूर, ये भी कोई तरीका है? और उस पर बड़े सोचिए कि बड़े पैमाने पे गदर हो जाता है। चलो भाई, मैं जहां कहते जाने को तैयार हूं, पर हर जगह तो मैं नहीं जा सकती हूं, तो मैं देखती हूँ को इसमें भी एक अहंकार तो नहीं कहूंगी मैं, पर एक चिपका हुआ सिक्का है कि हम लखनऊ में रहते तो लखनऊ, बम्बई में रहते तो बम्बई, और दिल्ली में रहते तो दिल्ली। अगर माँ एक मर्तबा दिल्ली नहीं आए तो सब लोगों की हालत खराब हो जाए, दिल्ली जरूर आए और फिर लखनऊ जरूर आए, फिर बनारस जरूर आए, फिर कलकत्ते जरूर आए। ये मैं जो देखती हूँ कि आप इतने स्थानिक कैसे, लोकलाइज जिसको बोलते हैं, फिर कहेंगे कि नहीं आप नोएडा ही है, नोएडा नहीं आते तो और कोई यहाँ गली कूचे बहुत है वहाँ आ जाइए। दूसरा रोना ये कि मेरे घर आपको आना है, अब इतनों के घर जाने के लिए कोई नया जन्म लेना पड़ेगा, इस पर भी बड़ी नाराजगी कि माँ आप मेरे घर आई नहीं,
मेरे घर आके आपको खाना खाना है, फिर ये मेरा बेटा है, फिर ये मेरा पति है, मेरी पत्नी है, मेरा 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 मेरा। जब तक ये ममत्व नहीं छूटने वाला तब तक आप सहयोग में कैसे उतरेंगे? ठीक है, आपकी जिम्मेदारियां हैं, उसको निभाओ, पर वो मुझ पर मत ला दो। मेरे बेटे को देखना ही चाहिए, मेरे बेटे को नाम दीजिए, फलाना ठिकाना। सुबह से शाम तक नाम देते देते मैं तो हार गई, मैं सोचने में एक डिक्शनरी बना लूं। ऐसा पागलपन चारों तरफ छाया हुआ है। अगर मैं कह दूं कि मैं नहीं आ सकती तो हो गया, मतलब फिर उसके बाद तो समझ लीजिए कि वो कहेंगे कि माँ हमारी क्या गलती हो गई, हमने कौन सा पाप किया। अरे भाई, नहीं आ सकती मैं, इसमें कोई पाप नहीं है। तो ये बड़ी सूक्ष्म चीज़ है, इसको बनना चाहिए। ये चिपकी हुई चीज़ है आपके अंदर, ये मेरा तेरा। कबीर दास जी ने एक बड़ी सुंदर बात कही कि जब बकरी जिंदा होती है तो मैं करती है, जैसे हम लोग भी करते हैं, पर जब मर जाती है तो उसके तांत से धुनकनी की तांत बनाते हैं, और जब धुनकनी चलाई जाती तो कहते तू ही तू ही तू ही। जब तक ये तू ही का हमारे अंदर स्वर नहीं चलेगा, आप मुझे इसके लिए क्षमा कीजिए कि कोई भी काम आपके नहीं हो सकते। अगर आप करके सब दिखा सकते हैं तो कर लीजिए, पर अगर आप उस पर छोड़ने की क्षमता रखें और कहें तू ही तू ही तू ही, तो वो तो करके दिखाई देगा। और जिसने इसका अनुभव किया वो तो तू ही भी नहीं कहता है, वो जानता है कि वो है। ऐसे काम बनते हैं कि मुझे एक साहब बता रहे थे कि रोज कम से कम 20-25 मिराकल्स घटित होते हैं हमारे साथ। तो अब सोचने की बात क्या रही, जब आप परमात्मा के साम्राज्य में आ गए, पूरी तरह से आपको ये विश्वास कर लेना चाहिए कि एक आप बहुत महत्वपूर्ण नागरिक हैं उस साम्राज्य के, जहां पर सारे देवदूत आपके शरण में हैं। जो कुछ भी कमी हो उसे वो पूरी कर देते हैं, लेकिन उसका देखना भी आना चाहिए, उसकी दृष्टि भी होनी चाहिए। अगर आपके ऊपर हजारों ऐसे नजारे उतारे जाएं और आप देख ही नहीं सकते तो फायदा क्या, अंधों को दिखाने से फायदा क्या? इस प्रकार के आप सबको अनुभव आए, लेकिन सबसे बड़ा अनुभव यथार्थ का, यथार्थ माने वास्तविकता। यह अनुभव जितना सूक्ष्म है उतना ही वो विस्तार पूर्वक है। यथार्थ में जब आप देखते हैं तो आपको दिखाई देगा कि आप कोई छोटे नहीं हैं, और आप बिल्कुल छोटे भी हैं और तो भी आप सारे आकाश में समाए। जैसे कि एक बूंद समुद्र में मिल जाए तो वो क्या देखती है कि वो समुद्र हो गई। आप समुद्र जहां जाए जहां ले जाए जो करे उसके साथ वो घूमती रहती, भटकती रहती, नाचती रहती, उसको अपना अस्तित्व ही जब नहीं रह गया तो वो झगड़ा किससे करे?
और क्यों करें? जो हमारी जिंदगी थी उससे हम बहुत बेहतर हो गए, ये तो बात माननी पड़ेगी, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन अभी थोड़ा सा रास्ता और तय करना, पहले तो अपने ममत्व को देखो। इस ममत्व के कारण अनेक प्रश्न खड़े हो जाते हैं। विदेश में पहले माँ बाप बच्चों की कदर नहीं करते थे, बिल्कुल नहीं, यहाँ तक कि वो चाहते भी नहीं थे बच्चे हों, और हो जाए तो जो चाहते थे कि मर जाए कुछ, और जब सहज में आ गए तो चिपक गए बच्चों से, फिर उनके लिए बच्चों के सिवा और कोई सवाल ही नहीं रहेगा, बच्चे ही सब कुछ होगा। अजीब चीज है, एक तरह से छूटे तो दूसरे को चिपक गए, और हमारे देश में तो ये चिपकन बहुत जबरदस्त है। हम लोग यही सोचते हैं कि बच्चों के कर्ता धर्ता हम हैं। इसको समझ लेना चाहिए कि संसार को चलाने वाले परमात्मा और उनकी परम शक्ति, वो सब इस आपके बच्चे परिवार सबको देख रहे हैं, उनसे अच्छा तो आप नहीं देख सकते, तो आप क्यों बेकार में परेशान हैं? बार बार आप पूछेंगे भाई बच्चा कैसे, बच्चे की हालत कैसी है, फिर बच्चे से कोई बचा रहा तो फिर बीवी, फिर पति, फिर अम्मा, ये ऐसे ऐसे रिश्तेदारी है, उसका निवाह करना दूसरी बात है, पर उसमें बह जाना दूसरी बात है। इस ममत्व को तोड़े बगैर आप सहज की मर्यादाओं से बाहर नहीं निकल सकता। सहज की जो मर्यादाएं हैं वो इस तरह से बंधी हुई हैं, इससे ऊपर उठने के लिए आपको बहुत सी बातों की तरफ ध्यान देना चाहिए। छोटी छोटी बातों को मनुष्य चिपक जाता है। अब मैं नहीं कहूंगी कि आप अस्वाद में उतरे, क्योंकि ऐसे कहने पे तो उत्तर भारतीय लोग तो बिल्कुल परेशान हो जाए कि माँ कहती है अस्वाद करो, ना ना वो तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन स्वाद के पीछे भागने की कोई जरूरत है? रात दिन स्वाद के पीछे भागेंगे फिर आप सहजोगी कैसे? कोई भी बात करने से आपको आत्मानंद की अनुभूति होनी चाहिए। सो कैसे? हर एक चीज की ओर आप ऐसे देखें जैसे कोई एक नाटक देख रहे हैं, ये सारा नाटक, और ये नाटक चल रहा है, देख रहे हैं आप, कभी मजाकिया बातें हो रही हैं, कभी कुछ और बातें हो रही हैं, आपका कुछ लेना देना इससे नहीं, आप देखते हुए हंस रहे हैं, देखते हुए रो रहे हैं, बस। लेकिन इसके अंदर आपका कोई भी समावेश नहीं है, आप बाहर बाहर से इसे देख, तो आप आश्चर्य करेंगे कि आप जल्दी से किसी भी चीज को क्षमा कर दें। कल एक साहब ने बताया कि माँ ये अभी सिगरेट पीते हैं, उन्होंने सोचा कि मैं बिगड़ूंगी, मैंने कहा नहीं नहीं ठीक है, सिगरेट आसानी से नहीं छूटती, लेफ्ट विशुद्धि अगर हुई तो उससे सिगरेट पकड़ी जाती, उनकी लेफ्ट विशुद्धि तुम ठीक करो देखो उनकी सिगरेट छूट जाए। तो सारी दृष्टि ही ऐसी बदल जाती है कि जिससे आदमी सोचता है कि इसको किस तरह से सुधारा जाए, क्या ठीक किया जाए,
किस तरह से बनाया जाए, किस तरह से जोड़ा जाए। एक तरह की जो आज तक बुद्धि हमारी विश्लेषण एनालिसिस को करती थी, वो सिंथेसिस, वो सब जोड़ने की क्रिया करती, और उस जोड़ने को जो हम चाहते हैं पूरी तरह की मदद परमात्मा से मिलती है। आप समझ लीजिए, कोई आकर मेरे पास किसी बुराई करता, एक बार, ये तो हमारी आदत कभी कभी छूटती नहीं ना, तो मेरे पास भी आके बताते हैं वो आदमी ऐसा वैसा, तो कुछ थोड़ा झूठी हो, मैं उससे कहती हूँ, अरे भाई वो तो तुम्हारी तारीफ ही तारीफ कर रहा था। वो तो कह रहा था कि तुमसे अच्छा कोई आदमी ही नहीं है। दूसरे दिन देखती हूँ कि उसी आदमी के गले में हाथ डाल के घूम रहा है। जो कुछ बुराई देखी थी वो पता नहीं कहाँ गायब हो गई। ये बात समझनी चाहिए कि हमें एक दूसरों को जोड़ना है, और वो भी ऐसा जोड़ना है कि एक को शिकायत हुई तो सबको पता हो जाना चाहिए। यही कलेक्टिविटी है। एक को तकलीफ हुई तो सारी दुनिया दौड़े, क्योंकि हमारा ये समाज ये जीवित समाज है, मरा हुआ समाज नहीं। और इसके अंग प्रत्यंग जो है एक शरीर में बसे हुआ, अगर इस उंगली को तकलीफ होती है तो सारे शरीर को तकलीफ होती है। इसी प्रकार हमें भी सोचना चाहिए। अब ये सोचने में ये हुआ कि हम पुरानी दिल्ली वाले अगर अलग हुए और नोएडा वाले अलग हो गए, फलाने वाले अलग हो गए, मैं तो सारे विश्व की बात कर रही हूँ और आप यहाँ गले कूचे की बात करें। सारे विश्व में ये होना चाहिए कि एक को जरा सी तकलीफ हुई, एक देश में जरा सी तकलीफ हुई, तो सारे देशों में इसकी हलचल होनी चाहिए। हो रही है, ऐसे नहीं कि नहीं होता। अब आपको बताऊं खुशखबरी कि बहुत से जर्मन ऑस्ट्रिया में और जर्मनी में सहयोगी हैं, बड़े पहुंचे हुए लोग, तो वो निकले जाने इज़राइल। मैंने कहा कहाँ जा रहे हैं तुम लोग? माँ हम तो इज़राइल जाए, क्योंकि बात ये हमारे जो बुजुर्ग हो गए उन्होंने उनको बहुत सताया, मारा पीटा, तो हम तो इज़राइल जाते। मैंने कहा इनको कौन सुनेगा वहाँ भाई, ये तो जानी दुश्मन उन लोगों के। ये वहाँ गए और इज़राइल देश को खड़ा कर दिया, सहयोग किया। अब उससे और एक अच्छी बात बताओ, बड़ी खुशखबरी, मैं इजिप्ट गई तो बहुत मुश्किलों से बेचारों को वीज़ाज मिले, माने इसराइलियों को, क्योंकि इसराइली जो हैं वो माने हुए दुश्मन हैं मुसलमानों के, पता नहीं क्यों, गलत बात है, लेकिन हाँ, तो 20 इसराइली वहाँ हैं इजिप्ट में, और मैं देखती क्या हूँ कि वहाँ के इजिप्शियन सहयोगी जो हैं उनके गले मिल रहे हैं, उनसे प्यार की बातें कर रहे हैं, आनंद की बात है कि इज़राइल से इतने दूर से इजिप्ट में आए और वहाँ के इजिप्ट सहयोगियों से दोस्ती कर ली, फिर सारे वहाँ पे कैरो में जहाँ जाना वहाँ सबसे बात करना, ये करना, वो उनके लिए मिठाइयाँ लाए। ये सूझता कब है? मैंने नहीं कहा, ये अंदर से ही सूझता है कि भाई इजिप्ट के लोग
हमसे दूर हैं, हमारे दुश्मन हैं, चलो वहीं प्यार का करिश्मा देखें। और पहुंच गए, मैं पहुंची उसके दूसरे दिन, मैंने आए कैसे, आ गए, वीजा भी मिल गया, सब हो गया, हम आ गए। ये पहली पहचान कि किस तरह से प्यार का दान आप दूसरों को दे सकते हैं। लेकिन ये तो तभी होगा जब आप अपने से हटेंगे, जब अपने ही अंदर आप कूद रहे हैं तो बाहर क्या होगा। अब कल मुसलमानों ने जो कव्वाली गाई, आप लोगों ने खूब मजा उठाया, देखा। ये मुसलमान भी कितने दिन बाहर रह सकते हैं, ये भी अपने अंदर घुसेंगे, आप देख लीजिए। पर आपकी वृत्ति जो है वो ये नहीं होनी चाहिए कि मुसलमान खराब हैं और हिंदू अच्छे हैं, बिल्कुल गलत बात है। यहाँ तो जातीयता इतनी जबरदस्ती, वो तो हट गई। अमेरिका में देखिए बहुत बड़ा प्रश्न है काले और गोरों का। हम लोगों को तो वो ब्राउन लोग कहते हैं, मना इधर के रहना उधर के, पर काले और गोरे वहाँ बड़ा झगड़ा। लेकिन सहयोग में आपको समझ में नहीं आएगा, सब बैठे हैं, कोई काले हैं, कोई गोरे हैं, कोई ब्राउन है, सब सहयोग में बैठे, और किसी को ख्याल तक नहीं आता कि किसकी चमड़ी कौन से रंग की है, बिल्कुल नहीं। एक दिन मैंने किसी से पूछा कि साहब वो हैं तो वो गोरे हैं, तो हम देखा नहीं माँ, पता नहीं, फिर सोचने लगा, देखा नहीं, देखा ही नहीं तुमने, हाँ हमने देखा नहीं। ये तब होता है जब वो सूक्ष्मता अंदर में प्रकाशित होती है, और ये सूक्ष्मता प्यार की, प्रेम से जब आप किसी को देखते हैं। एक माँ है, उसको शायद हो गोरा बच्चा हो जाए चाहे काला बच्चा हो जाए, वो सबको अपने जी से लगाती है, उसको इतना नहीं विचार आता कि मैं गोरी हूँ मेरा बच्चा काला है, वो तो नहीं ना ऐसा सोचते। ऐसे ही ये प्यार की शक्ति है, इस शक्ति के कारण ही सब एक हो सकते हैं, और जब सब हम एक हो जाएंगे तो ये जो हमें अलग करने वाली उपाधियाँ हैं ये सब गिर जाएंगे, सब गिर जाएंगे। कुंडलिनी के जागरण से जब आप अपने ब्रह्मरंध्र को छेद कर इस चारों तरफ फैली हुई पवित्र शुद्ध निर्मल प्रेम शक्ति को प्राप्त होते हैं, तो वो शक्ति ही आपको ये प्रदान करती है, और आपको इसमें मजा आता है। पहले मजा आता था किसी से द्वेष करने में, अब मजा आता है प्यार करने। अब यहां से बहुत से लोग परदेश में गए, वहां से मुझे खबर भेजते, माँ यहाँ आओ, यहाँ सहयोगी बहुत कम है, हम चाहते हैं यहाँ सहयोग चले। इस प्रकार की जो एक भावना, नहीं तो ज्यादातर लोग जो बाहर जाते हैं उनको यही लगता है कि अब क्या मौज करें, चलो शराब पिए, ये करें वो करें। इन सहयोगियों को एक ही बीमारी कि और सहयोगी कहाँ से आएंगे, बगैर सहयोगी हम कैसे जी सकते हैं, ना क्लब जाएंगे ना कुछ करेंगे, बस उनको यही एक लगा। तो इस प्रेम शक्ति से एक सूक्ष्म आनंद भी झरता है, उसी के कारण हम ऐसे एक साथ एक स्वर में डूलते हैं। हमारे मेयर साहब इटली में कहने लगे कि हम लोग चर्च में जाते हैं तो 15 मिनट बाद घड़ी दिखने लगती, और जैसे आधा घंटा होता है तो सब लोग भाग खड़े हो जाते, और आप क्या जादू करते हैं कि 9-9 घंटे लोग बैठे हुए अंदर, तो मैं कोई जादू नहीं, बस प्यार का मजा ले रहे हैं। और
आनंद के सागर में डुबकियां लगा रहे हैं, और यही आनंद का सागर आपको अत्यंत स्वच्छ अत्यंत निर्मल कर देता है, और वो ऐसी आपको शख्सियत देता है, ऐसा व्यक्तित्व देता है कि आप तो चमक उठते ही हैं, लेकिन आपको मिलने वाले भी चमक जाते हैं। सो फिर से मैं यही कहूँगी कि लड़ाई झगड़ा इसका नाम भी मैं नहीं सुनना चाहती। कोई जैसा भी है उसके और नाटक फिर समझ के देखिए, आपका काम सहयोग में टिकने का है। आप सबको अनंत आशीर्वाद। आज उन्होंने पूछा था कि माँ कौन सी पूजा करेंगे, तो मैंने सोचा कि आज राजलक्ष्मी की पूजा करें।